हे वेलकम वेलकम यार टू मिरर्स विलेज। आप सबका स्वागत है यार मेरे विलेज पर। मेरा गेमिंग नेम है मिरर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है अपनी जेम्स फार्मिंग पे, कि फ्री में जेम्स कैसे कलेक्ट करें, या फिर कहते हैं कि जेम्स फार्मिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो मेरे पास जेम्स हैं वो 8K हैं, मोर देन 8K हैं, 8316 नियर बाय। तो यार अब सिंपल कुछ बात करते हैं कि जेम फार्मिंग करते कहते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा। अब तो जो ये टॉपिक है आज का वो है जेम्स एंड जेम फार्मिंग। तो सबसे पहले यार आप लोग मेरे जेम्स पे ध्यान दो, नज़र मारो, टेक अ लुक कि मेरे पास 8K जेम्स हैं, मोर देन 8K। तो ये मत सोचिए कि ये मैंने कहीं से परचेज़ किए हैं, मैंने कोई ऐसी परचेज़ नहीं की। मैं सिंपल क्लैश ऑफ क्लैन को एज ए क्लैश ऑफ क्लैन, एज ए गेम ही ट्रीट करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जेम्स मैंने परचेज़ कर लिए हैं या फिर परचेज़ करके मैंने अपग्रेड किए हैं, अभी मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं या कुछ बच गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने फर्स्ट डे जिस दिन से मैंने शुरू की थी गेम उसी दिन से मैंने ये अपने पास कलेक्ट किए हैं। तो यार मैं अब आप लोगों को इसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों के यार बहुत काम आएंगी, कि आप लोग जो ये जेम्स हैं फ्री में कैसे कलेक्ट करें। तो यार इसके लिए पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब जो आ गया है वो तो इवेंट है। सबसे पहले यार ध्यान दो इवेंट कंप्लीट पे, अपना जो आपका इवेंट है जिसमें आपको जेम्स मिलते हैं वो इवेंट हमेशा कंप्लीट करो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि आप अपने जेम्स को प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए कहीं पर भी। कोई भी ऐसे कोई अपग्रेड लगा रहे हो या कुछ भी है तो वहाँ पर जेम्स को मत यूज़ कीजिए। जितने आप ज़्यादा जेम्स सेव करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप अगर आपने TH10 तक 10K मतलब कि 10,000 जेम्स सेव कर लिए, तो मतलब समझ लीजिए कि जिस दिन आपने TH11 पे अपना अकाउंट सेट किया उसी दिन आप थोड़े दिनों में ही मैक्स कर दोगे, क्योंकि जो आपको मेजर लूट है जो TH11 पर नहीं मिलती वो आपको ईजिली मिल जाएगी, आप जेम्स यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो यार आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट सजेशन है कि प्लीज़ जेम्स मत ख़राब कीजिए अपने, और जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, ट्रीज़ हैं, बुशेज़ हैं, इन सबको रिमूव करते रहिए और आपको यहाँ से जेम्स मिलते रहेंगे। और उसके बाद जो एक है आपकी जो अब जेम माइन आ गई है, इसको भी यूज़ कीजिए, अपग्रेड कीजिए, इससे भी आपको सही से जेम्स मिलते रहेंगे। और यार अगर आप कभी भी अपने जेम्स यूज़ करना चाहो तो मैं आपको यार एक सजेशन देता हूँ कि कभी भी अपने जेम्स ऐसे फालतू में कि आपने यहाँ पर आर्मी बनानी है वहाँ पर यूज़ कर दिए, कैसे कहीं पर भी यूज़ कर दिए, मत यूज़ करना। अब भाई अपने जेम्स को प्लीज़ सेव करो, जितने सेव करोगे उतना अच्छा है। तो आपके लिए यार जो ये सिंपल टिप्स हैं कुछ, कि अपने इवेंट्स को कंप्लीट करो, वेस्टेज मत करो जेम्स की, और जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं जहाँ से आपको जेम्स मिल सकते हैं वहाँ से जेम्स को इजीली फार्म करो। और प्लीज़ 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 ये प्लीज़ जो सजेशन है इस इनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कभी भी किसी अपग्रेड पे या जो आप आर्मी बना रहे हो वहाँ पर अपने टाइम के रिगार्डिंग कभी भी जेम्स यूज़ करके अपनी आर्मी प्रिपेयर मत करो। अपने टाइम के हिसाब से आर्मी प्रिपेयर करो कि आपने टाइम से के हिसाब से अपनी आर्मी सेट कर दी है, जब बन जाए तब अटैक करो। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ आर्मी या फिर अटैक में, जैसे आप वॉर में हो लेट हो तब अटैक में यूज़ करो, नहीं नहीं ये मैंने सभी जेम्स 8317 जो भी मेरे पास जेम्स हैं मैंने सभी ऐसे ही कलेक्ट किए हैं, मैंने आज तक कोई परचेज़ नहीं की। और मुझे कुछ जेम्स वॉर्स में से भी मिले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वॉर से जेम्स कैसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको एक क्लेन बताऊंगा जहां पर आपको इजीली हर हर वॉर में जेम्स मिलेंगे, जीतने पर 50 जेम्स मिलते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2000 जेम्स वहां से कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ रहिएगा, और प्लीज़ जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारे जेम्स मिलेंगे, उससे आपके बहुत सारे जेम्स सेव हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और हिट लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्लेन का टैग कैसे उसमें एंट्री करनी है और क्या वहाँ पर रूल्स हैं और क्या है उसकी सभी ट्रिक्स जिससे आपको हर वॉर में 50 जेम्स मिले वो मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज़ चैनल के साथ रहिएगा। ओके बाय बाय यार।